बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं गैर सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, कल भी हमने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारी टीम ने बहुत सोच विचार किया और हमारे दिल भी यकीनन हर पाकिस्तानी की तरह अपनी कौम के साथ धड़कते हैं, अपने लोगों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं तो हमारा भी सिरों खून जो है वो बढ़ जाता है। पाकिस्तान के लोग उदास होते हैं तो हमारे भी जैसे कहिए कि अरमानों पर औस पड़ जाती है। तो हम ये सोचते रहे कि चूँकि कॉमेडी का और मिजाह का तड़का लगा होता है तो इस वबा के दौर में कल फिर हमने बहुत गौर व फिक्र किया और फिर कल का जो फीडबैक आया वो बहुत ही शानदार था, इतना शानदार था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो जो खौफ हमें कल एक शो करते हुए शुरू में था कि पता नहीं हम जिस नीयत से शो कर रहे हैं पूरी तरह से नीयत कन्वे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो मैं अंदाज़ा हुआ कि लोगों को उससे ज़्यादा की चाह थी, क्योंकि लोग भी ये समझते हैं कि कहीं हम डिप्रेशन में ना चले जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी हिस्से मिजाज जो है उसको बरकरार रखा जाए, यकीनन जो मुल्क की अमूमी हालत है उसके अंदर ही रहते हुए। सो हम मोहताद भी हैं, हम फ़िक्रमंद भी हैं, मगर आपकी खातिर आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप इस वबा से हंसते हंसते इसका मुकाबला कर सकें, आपका हौसला बरकरार रहे, नफ्सियाती तौर पर आप कायम रहें, इसलिए हम ये शो हमने तय किया कि हम ये शो जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए लेकर आएंगे, हफ्ते में 3 दिन ऑफ कोर्स। और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं सखावत नाज साहब, ताहिर अंजुम साहब और चांद बराल साहब। और शाह जी ने अज भी दस्ताने पेंट करने वाले पाए ने कि तुसी घबराओ ना, तुसी टेंशन ना लवो, हंसते खेड़ते रहो। हंसना खेड़ना चाहिए शाह जी, टाइटैनिक च भी ते वालन वजदी रही ना। जिन्ने दिन हो गए ना, वैसे लोग हुण नॉर्मल हो गए ने, जिहड़े हामद गुस्सा करदे सन ना बीवियां दा, हुण बीवी गाल कढ़े ते गए निकले कुछ भी नहीं और निकाल लो। बीवी नूं होर गुस्सा चढ़दा कि तू अगो मेरा मजा लै रहे, वो कहना नहीं मैं तो तेन दाद दे रहा कि तेरी गालां दी जुबान माशाल्लाह पक्की हो गई। तो शो दा फायदा बड़ा शाह जी, यकीन करो। एक बंदा कह रहा है साडा नहीं हमारा शो यार। हाँ, मतलब के यार करोना, आपको पता है मैं, मुझे ये मैं की जो फिलोसफी है ना, इससे शदीद मैं कम चीजों से नफरत करता हूँ, मगर मुझे इससे है, मैं कोई चीज़ असल चीज़ ही हम है इज्तमाही। आपको ना ये जो लोग हम कहते थे, बाद को लोग समझते थे कि जो उर्दू बोलने वाले हैं ये गालिबन उनकी जुबान का हिस्सा था। नो नो नो, फैज साहब भी हम कहा करते थे, फैज साहब ने राजकुमार साहब भी कल ही बैठे हुए थे, कहते हम बैठे जी वो तो उसमें तो फिर भी चूंकि वो एक नवाब की कहानी है उसमें गालिबन फिर भी प्राइड है, हम कह रहे हैं ये इज्तमाही हम है कि मैं कोई काम अकेले करते ही नहीं, जितने भी काम है वो हम मिलके कर रहे हैं। तो फैज साहब ने भी जहां इस्तेमाल किया गुफ्तगू में भी और तहरीर में भी वो हम का लफ्ज इस्तेमाल किया। मतलब एक बंदा जो बह के घर गल कर रहा है ना कि यार कोरोना ने बहुत परेशान किया है, तो नाल दा बंदा जरूर छड़ यार वे सखावत की गल करने यस, तो थोड़ा सा हौसला जो है वो कायम रहे। और कोशिश ही की हमने, कल भी कोशिश की थी और आज भी हमने जो जितनी डिस्कशन की है प्रोग्राम से पहले, जो प्रोग्राम तरतीब दिया है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचती रहे और गैर महसूस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स इस वबा के दिनों में जो डूज एंड डोंट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहे। बुजुर्गों को इन्हां गल्लां दा पता नहीं है गल की जी जी जी, वो कहंदे कोरोना आया, कहंदे नूं बैठ गए बिठा चा छपिया ताकि बेचारा खाली मुंह ना जावे। सही कह रहे हमारे देहात के लोग, उन्होंने जे दसे बंदा कि ये बुजुर्गों नूं लैण आया, फिर वो कहंदा इहनूं पहलों बाहर कड्डो इहनूं सोटे फेर के। अगो माई कहती नहीं भी पुत मारी ना, ये भी किसी का धी पुत। अच्छा मैं आपको बताऊं, वैसे ये भी इससे लोगों को होशियार रहना चाहिए। लोग ये समझ रहे हैं कि बुजुर्गों पे लाजिब आते, चूंकि वो उनकी जो कुव्वत मुदाफियत है इम्यूनिटी जो है वो वीक हो चुकी होती है, बहुत सारी दीगर जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसमें भी, यानी कि मेडिकल बीमारियों में भी वो मुब्तला होते हैं, किसी को डायबिटीज़ है। अब कल मैं देख रहा था कि जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा अटैक करता है ये, फिर जो डायबिटिक हैं उनको ये अटैक करता है, फिर जो हाइपरटेंशन जिसको जिसकी गोलियां आप खाते हैं और उनको ये अटैक करता है। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामत। लेकिन वैसे तो 50 तो थल्ले हो ना? नहीं मैं 50 दे कोल कोल आते 50 तो थल्ले हो, मेरे मतलब कोल कोल क्यों हूं तोड़े चांसेस, मतलब कोरोना में मुबतला होंगे ज्यादा नहीं है, कट नहीं, लेकिन सबके हैं। अब वो जो हमारा उसको सलाम पेश करना चाहिए, हम भी सलाम पेश करते हैं। रिकॉर्डिंग करो ना, मैं तो घर जाके कुंडा लावा। जो गिलगित का हमारा डॉक्टर जो है जिस तरह से वो शहीद हुआ है, वो बिल्कुल नौजवान बच्चा था, मैं देख रहा था उसकी तस्वीरें, कितने ख्वाब होंगे यार उसकी आंखों में। मुझे देखो उस बच्चा अपना शेर याद आ गया, न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के,
اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. ارے واہ واہ. تو میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار, اور اس اپنے ہوتا نا ایک ہمارے یہاں پنجاب دی ایک چیز ہوندی کیفا شناسی, کہندے نے کیفا تے لائی آ رہے دا آئیڈیا تو لگاؤ. تو چہرے بولتے ہیں. اب ہماری بھی عمریں 50 کے قریب ہونے والی ہیں, ہم نے بھی ایک زندگی دیکھی ہے, تو میرا جتنا تجربہ ہے زندگی کا, تو 18 سال وہ ایک بہت ہی جسے کہیے نا نفیس روح تھا وہ بچہ جو ہے, گلگت بلتستان کا جو بچہ تھا جو ڈاکٹر تھا, انتہائی نفیس روح, اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بول رہا تھا, اس کی شرافت جو ہے اس کے چہرے سے وہ چھلک رہی تھی. اور پھر جب ہم نے سنا تو پتہ لگا کہ اس کا پلان بھی یہی تھا کہ میں باہر جاؤں گا اور پڑھ کے آؤں گا, اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد پھر آ کر اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا. اور یہاں بھی جس طرح سے اس نے لوگوں کی خدمت کی, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور آپ کے بچے نے پاکستان کے لیے جسے کہیے کہ جان دی. اس سے بڑا کیا رتبہ ہوگا کہ لوگوں کی سلوٹ ہے, سلوٹ ہے, یقین کریں بالکل سلوٹ ہے. اللہ میاں باقی سب کو سلامت رکھے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. شاہ جی میں اب ہمیں مطلب آئندہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے. شاہ جی میں تو انہیں گل کرنا چاہتا, مہربانی انہیں دنوں چ کوئی اچھا شعر نہ کہنا, یہ نہ ہوئے کرونا داد دینا آ جائے. واہ شاہ جی واہ, استغفر. اچھا وہ ہم اس پہ بات کر رہے تھے, بات رہ گئی تھی کہ وہ کمبخت تسی دیکھو اودی شکل جڑے کلرز کولرز نے وہ بڑی ہی نہیں کہ کیا بات ہے. شاہ جی تسی کیوں انہوں انگوٹھی چلو ہونا چاہندے یار, میں پہلے بھی کہتے انہوں محبوب نہ کہہ دینا. اللہ معاف کرے, تسی کرونے کا کیا تمہاری آنکھیں ہیں جیسے جھیل میں اتلتا ہوا پون, پتہ نہیں کیا کو کہہ دینا. تسی تو شعر بنا رہا, کاش میں تمہارے ہاتھ کا کرونا ہوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن اگر وہ کلر اچھے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کلر برا اس کا. یار البتہ اس کا جو کردار ہے کمبخت کا, اپنے اودے کلر اچھے نے تے ساڈا رنگ پیلا پا دے. شاہ جی تفا اور تھوڑے کلر نے ویکھن اور یہ ذرا دیکھیے اسی بہانے جو دور دور رہنے کی بات ہو رہی ہے نا, یہ ایک زمانے میں کسی گانے میں بھی یہ کہا گیا. تاہر بھائی دی سواگرہ تے گانا چلے ہاتھ نہ جی آئیے ہاتھ نہ لگائیے, نہیں پاس پاس نہیں آئیے, پاس نہیں آئیے ہاتھ نہ لگائیے, کیجئے نظارہ, کیجئے نظارہ دور دور سے, کیجئے اشارہ دور دور. میں اپنی بیوی نے کہا میں ویاہ رینج دے گانا گاندی اے ساری نصیتاں اینو سن. میں اپنی بیوی نے کہا میں ویاہ کرایا کیڑا وی سی آر منگایا جڑا میں دور دور نظارہ لواں. اچھا یار دیکھو, ویسے بعض اوقات یہ عجیب زندگی کی چیز ہے, بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہیں اب یہ لکھنے والے کو بنانے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا گانا, میرا گانا 100 سال بعد اتنا ہٹ ہوئے گا. 100 سال وہ تو میں کسی نے سنیا بھی نہ ہو, اور ریلیونٹ طاہر ریلیونٹ رہے گا, پورا اترے گا, پورا اترے گا ریلیونٹ. صحیح بکر اس لیے شاہ جی دو دو ڈھائی ڈھائی سو سال پرانا شعر کٹ کے لے آؤں. اچھا ایک اور بھی چیز, اور جس نے ڈھونڈے ڈھونڈنا تم نے جی, میں ایڈا پرانا یہی ہے جی, یہی لب سکتا نہیں ہو سکتا. اس فلم دے ہیرو نو کو بیماری ہوے تاں کہن ڈئی ہوے, جدوں طاہر جوان سی نا تو مدھو بالا چوتھی پنجویں چ پڑھدی ہوندی سی. ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ ایڈا پرانا جناب, ادو مطلب تلواراں دی جنگ نہیں سی ہوندی, ایک دوجے دے چپیڑا مار دے ہوندے. اچھا قائم علی شاہ صاحب کا تبصرہ نہیں آیا؟ او تے شاہ جی چھڈ دے, کرونا جدوں کرونا آیا ہے, کرونا کرونا آیا ستے انہوں نے اپنے سیٹ اینو کیا ہونا ہے سائیں, کوئی ایسی جی بوٹی رگڑ جڑا میں کوئی سال اٹھانا. سب تو پہلا کرونا سندھ چ آیا نا جی, اور شاہ جی دی وجہ تو انہاں دے گوڈے نو ہتھ لاونا آیا کہ تسی ساڈے سینئر ہو, میں اگر کہو اتھے کسے نوں لگ جاوا. انہوں نے اجازت دتی کہ سائیں ٹیڈا اپنا ہے لیکن زیادہ کھلار. اچھا جی اسی ترتے قابو پا لے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی ایک ویڈیو اور, ذرا ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی. ہاں اس کے اندر نا ایک بڑی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ تو لگتا ہے افتخار ٹھاکر صاحب نے. نہیں نہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, افتخار ٹھاکر صاحب جیسا لگتا ہے کوئی ٹریفل ہوا لی. یہ دیکھیں اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, گڈیا ہاتھ سے وہ گیم کھیلنے والی گیم انہوں نے بنا لی ہے. اچھا یہ بہت مزے گئے دیکھو, یہ بچہ جو ہے اب چوتھا دن ہے نا, کڑی نے کہنا ہے پاپا پھر کر گیا,
पापा गायब हो गए मेरे डर यार। वैसे ये मैं आई डोंट नो, मुझे ये जो इस पे मजा भी जब हो रहा है तो मजाक की हद तक तो ठीक है, मगर मुझे अजीब लग रहा है ना। मुझे बदकिस्मत लगते हैं वो लोग जो बच्चों से दूर भागते हैं। मैं मुझे कह लेने दें, हो सकता है कुछ लोग भागते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे बदकिस्मत लगते हैं वो। जिनके पास हैं बच्चे वो तंग है, जिनके पास नहीं है वो रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आती इंसानियत की, ये क्या कैफियत। मतलब घर में आप हैं तो घर में भी एहतियात करें, मगर यार खुदा की कसम आप तो उनसे बात करना शुरू करें बच्चे से। और पता है आप भाग भी क्यों रहे दूर, इसलिए कि बच्चे के अंदर जो तजस्सुस का जहान है, बच्चे के अंदर जो खूबसूरती है। मैं मूवी का आदमी हूँ, किताब पढ़ता हूँ, नॉवेल, तारीख। अच्छा मूवी कौन सी शाह जी? मतलब अच्छा मैं क्या मूवी कैसे फिल्म ड्रामा बंदे का कोई ड्रामा एंटरटेनमेंट। कोई दुनिया की चीज ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं दे सकती जो बच्चे की कुर्बत या बच्चे की कंपनी दे। नहीं गलत, आप उससे बात करें, उससे बात करना शुरू करें। आप देखें कि उसके ख्यालात क्या हैं, उसके जहन में जवाबात क्या हैं, उसके जहन में सवालात क्या हैं। मैं कहना जो तुझे कहोगे वो बच्चा करेगा। जी जी जी, नहीं डरते बच्चे ना गल इस तो नहीं करते, बच्चे को सच्ची गल करते ने। हाँ ये बात ठीक है। अंकल तुम्हारे दांत बड़े गंदे हैं। अंकल आप ब्रश नहीं करते। अंकल आपको और उन्होंने ये शिकायतें बहुत मजेदार होती हैं। मसला वापस आगे करते, बड़े मजे की बात है। चूंकि ये मुझे हैरत हो रही है कि मजाक की हद तक तो ठीक है, मगर हकीकतन मुझे हमदर्दी है उस शख्स से जो ये कहता है कि मुझे बच्चों की कंपनी अच्छी लगती है। बंदा उदो है जो तो बच्चा कहता ना पापा तेरा घोड़ा बने। यार इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती और है कि आपका बच्चा आपसे कहे आप घोड़ा बने। चलो घोड़सवारी करें ना, घंटे भी मार दे। यार देखो मैं बता दूं, आकाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा तवील कर दिया करते थे जब इमाम हसन हुसैन जो है वो आपके कंधों पर आके जब सवार हो जाते थे। आप अंदाजा करें, यानी कि ये हमारी तो सुन्नत हुई फिर बच्चे को कांधों पर खिलाना, उसके लिए झुक जाना और उसको अपने कांधों पर सवार करना, हमारे लिए तो भाई फिर सुन्नत का दर्जा रखता है। छोटे आप देख रहे गैर सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं गैर सियासी थिएटर और बात हो रही थी कि बच्चों की कुर्बत की वजह से मजाक की हद तक, मीम्स की हद तक तो ठीक है, बट अदरवाइज अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे बच्चों की कंपनी जो है वो मुझे तंग कर देती है, तो मुझे उस शख्स से हमदर्दी है और मैं समझता हूँ कि वो मुझे कह लेने वो बदनसीब है, बदकिस्मत है। मुझे याद आया हमारे दोस्त थे, वो हमने तो बहुत उनके साथ मुशायरे भी पढ़े, भारत के शायर थे और उनकी डेथ हो गई। मुझे नाम उनका एकदम से इस वक्त मेरे जहन से निकल गया, बड़े कमाल के शायर थे। उनके एक शेर पे बड़ा भारत में बलवा हो गया था। पहला मिसरा मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, दूसरा मिसरा मतलब उनका कहना यह है कि मतलब इबादत का दर्जा एक तरीके से रखता है, आप समझे। वो कहते हैं कि चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया। कहते हैं कि ये काम अगर आप कर लें तो ये बहुत सारी इबादतों जैसा काम है, ये उनका फलसफा था। सो बच्चा तो बात ही है कि उससे बात करें, और वो जो तुम कह रहे हो ना वो तो बड़ी खूबसूरत बात है। कंधे सर बच्चे तो घोड़ा बनांदे ने ना, बच्चे समझदे ने प्यो घोड़ा है, तो उन्हां दी मां समझदी है खोता है। चल वे ओ काम कर, चल वे ओ काम कर। नहीं घोड़ा बनाण खोता बनाण कोई इतराज नहीं, जिहड़ा अगे फक रख देंदे ने ना बच्चे कई शरारती। हां तेरे अगे नच मार के ओ भी उड़ा देंदे ने। सॉरी अच्छा, और आप एक चीज और देखो जरा, चाची पिंड दे बच्चे बड़े शरारती हुंदे ने, ओ वेखे कदी मेहमान आया उन्हें मंजी ते बिठाया, उन्हें बोतल लिया के दी, उन्हें अद्धी के पी के थले रखी, बच्चे मंजी थले बढ़ के अद्धी बोतल आप पी गए, मेहमान ने दोबारा चुकी तो डर गया। अच्छा और शहरां दे बच्चे, शहरां दे बच्चे तो तुहानू पता पढ़े लिखे, टीचर नू भी कहंदे टीचर आप बहुत गंदे हैं, टीचर हाथ नहीं धोते, आप नाखून भी नहीं काटे। शहरां दे बच्चे, पिंडां दे बच्चे उस्ताद नू की कहंदे ने? पिंडां दे बच्चे तो कहंदे उस्ताद की हाल ही, ओए आ भी चाचा पढ़ाउणा आ, ओ सीधा चाचा कहण लग पैंदे, उस्ताद भुल जांदे ने। तो मैं पिछले सब तो पहली आवे ना बंदा प्यो घर आवे तो पहली शिकायत ये लांदे ने कि घंटा नानो नाल गल कीती अम्मी ने, शिकायतां भी लाउणी आ। अच्छा शहरां दे बच्चे रोण भी ना शाह जी, तू बड़े अच्छे तरीके नाल उन्हां दे ते पिंडां दे बालां नूं रोणा भी नहीं होणा। अच्छा यार वैसे मैं एक चीज देखी है कि वो शहरों में तो जब जरा माएँ सिखा समझा देती है, मैं तो चूंकि दोनों जगह ताल्लुक है, सरगोधा में गांव से भी है और फिर इधर शहर से भी है, तो शहरों में जरा इस बात का ख्याल रखें, मगर पिंडा बच्चे बहुत टिका के गालां कर देने सर, कुछ
ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਖਾਸ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਉਸਕੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕਿਆ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸੋਚਾ ਕਭੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸਕੇ ਕਭੀ ਸੋਚਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੇਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਆਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵੋ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਔਰ ਆਪ ਯੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰ ਮੌਕੇ ਪੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮੈਨੇ ਤੋ ਕਭੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੋ ਆਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਭੀ ਬੇਸ਼ੀ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਕੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕਾ ਮਫਹੂਮ ਯਹ ਥਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਆਪ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਫਿਰ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹਸਨੈਨ ਕੋ ਸਵਾਰ ਕੀਆ ਹੁਆ ਥਾ ਆਪਣੇ ਕਾਂਧੋਂ ਪਰ, ਤੋ ਗਾਲਿਬਨ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹ ਕਿਆ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਕਾ ਨੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ, ਇਸ ਕਦਰ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਕਦਰ ਬਚ, ਸੋ ਜਿਨ ਕੋ ਇਹ ਵਕਤ ਮੁਯਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਸੀਬ ਹੁਆ ਹੈ ਮੀਮਸ ਕੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹ ਜੋਕਸ ਕੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸਕੋ ਗਨੀਮਤ ਜਾਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਇਨ ਇਨ 15 ਦਿਨੋਂ ਕੋ ਯਾ 20 ਦਿਨੋਂ ਕੋ ਯਾ 10 ਦਿਨੋਂ ਕੋ ਯਾ 30 ਦਿਨੋਂ ਕੋ ਆਪ ਸਭ ਇਹ ਆਪਕਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਗਾ, ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੈ ਵੋ ਜਾਨਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਕੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਆਪਕੋ ਐਸੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਫਰਹਤ, ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਸਰਖੁਸ਼ੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇੰਟੋਕਸੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਰਮਸਤੀ, ਇਤਨੀ ਸਰਮਸਤੀ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗੁਰਬਤ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓ ਯੈਸ ਓ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਪੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਕੋ ਹਮ ਤੋ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜਤਾ ਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਬਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੈਸ, ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੋ ਮੀਮਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਗਾਣੇ ਪੇ ਥਾ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਗਾਣਾ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵਟਸ ਯੋਰ ਪਲਾਨ ਇਨ ਸਮਰ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਜਵਾਬ ਮੇਂ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੇਂ ਉਹ ਜੋ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਤੋ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਕਿ ਵਟਸ ਯੋਰ ਪਲਾਨ ਇਨ ਦਿਸ ਸਮਰ, ਕਿ ਸਮਰ ਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਲੈਣਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਕੋ ਇਸਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਕਾ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਹਿੱਪੀਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਉਰੂਜ ਪੇ ਥਾ, ਤੋ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਤਫਤਾਨ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਂਡ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖੰਭੇ 'ਚ ਅੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਨਾ ਵੈਸੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਾਤ ਬਤਾਊਂ ਕਿ ਵੋ ਹਮ ਤੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੋ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਸ਼ਾਇਰੋਂ ਕਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਦ ਕਬੀਲਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੋ ਉਸ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੋ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੋ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਵਜੀ ਸਾਨੀ, ਤੋ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਗਜ਼ਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋ ਉਹ ਜਬ ਉਨਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੋ ਜੋ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਆਪਕੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਇਨਕੋ ਕਿੱਕ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਹੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਸ਼ਦੀਦ ਖਿਲਾਫ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਵੋ ਨਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਤਨਹਾਈ ਮੁਯਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਕਰਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ, ਇਹ ਜੋ ਤਨਹਾਈ ਮੁਯਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਕੋ ਫੋਕਸ ਹੋਣੇ ਕਾ ਵੀ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਰੇ ਆਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਾਰੇ ਹਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਯਾ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਬਸ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਮੱਕਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਸਤੀ ਥੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੋ ਜਾਤੇ ਥੇ ਗਾਰੋਂ ਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਮੇਂ ਤਨਹਾਈ ਪਸੰਦ ਥੀ, ਤਨਹਾਈ ਮੇਂ ਕੁਛ, ਯੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੇਂ ਕਿ ਤਨਹਾਈ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਏਕ ਇੰਤਹਾਈ ਤਨਹਾਈ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਸਰਤ ਸੇ ਕਿਤਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਸਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੇਂ ਨਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਥਾ ਤੋ ਯੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤੀ ਥੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਯਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਇਤਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਉਸ ਐਸਾ ਤਨਹਾਈ ਕਾ ਆਲਮ ਥਾ।
आपने मुहद्दे बदशाह देखा है ना, वो जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, जी जी, वो आपने देखा होगा बचपन में हम खेला करते थे, वो मोटा मोटा बहाना, जी जी जी, मोटा मोटा बहाना, जिदे नाल अग भी लाउंदे हुंदे, आग कैसे लगती थी, अग लाउंदे थे सूरज दे नाल, आग कैसे लगती थी, आग कैसे लगती थी, बताएं आग कैसे लगती, वो शीशे के साथ सूरज की शवाओं से ऐसे नहीं लगती थी, फोकस कर आग को, जब शीशे को और सूरज की शवाओं से गुजरने वाले शीशे को जब आप जो चीज नीचे पड़ी होती थी उस पर फोकस करते थे, जब वो तमाम तर अपना अपनी जो श्वाएं थी उसको इर्तकाज करके एक नुक्ते पर ले आती थी, नुक्ते का जो न्यूक्लियस होता था उसके ऊपर जब मरकूज करती थी, जब वो श्वा जब मरकूज होती थी तो ठक करके आग लग जाती थी, आग लग जाती थी। तो ये जो किक है ये आपको चाहिए होता है, ये कौन फराम करता है, ये आपको जलवत फराम नहीं कर सकती जिसको महफिल कहते हैं, ये आपको तन्हाई फराम, इसी वजह गालिब का शेर काम करता, तन्हाई च वैसे भी बड़ी अग लग दी तो पता नहीं तार नु तन्हाई च के एक वजी डर गया कौन पता नहीं कौन मार गया तो तन्हाई जो है वो आपको सोचने का गौर और फिक्र करने का इर्तकास का मौका जो है वो मुहैया करती है। आर्टिस्ट जिसके लिए तरसता है वो तन्हाई मैसर आई है भाई, इसको ये ठीक है मजबूरी के तहत ही सही मगर इसका भी शुक्र अदा करें, इसको एंजॉय करें, एंजॉय करें, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं गैर सियासी थिएटर, और सिर्फ तन्हाई को एंजॉय करें बाकी एंजॉय मतलब बच्चों के साथ ना वो बनाए जो शाहजी बता रहे थे, आप प्यार करें उनसे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं, आप देख रहे हैं आपने उसका लाइव शो गैर सियासी थिएटर, और देखते हैं अगले वीडियो की तरफ। सखावत, इनका तारुफ करा दो। ये जसविंदर भल्ला साहब ने, बड़े नामवर अदाकार हैं, बहुत मशहूर इंडियन पंजाबी फिल्मों के आर्टिस्ट ने, और नहायत ही ब्रीक आदमी, वाह और आर्टिस्ट कमाल है, और इंसान भी बहुत बहुत अच्छा। आपने इनके साथ काम भी किया? जी काम भी मैंने किया, नहीं काम तो नहीं, खैर इनके साथ नहीं किया, और बातचीत होती रहती, बातचीत होती रहती। तो ये बड़े मारूफ आर्टिस्ट हैं इस वक्त पंजाबी फिल्मों के, वहाँ के अगर मैं कहूँ वहाँ के मुनव्वर ज़रीफ हैं तो ठीक हो गए? नहीं नहीं, मुनव्वर ज़रीफ थे ना, वहाँ के कैरेक्टर एक्टर ने, लेकिन अच्छे नन्ना साहब या मतलब अच्छे नन्ना साहब के लेवल के, ठीक है, ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक बात जो है समझानी। इसके बाद हम आपको एक और चीज दिखाएंगे नाज़रीन गिरामी, कि आप अगर हमारी भी नहीं सुनते, जसविंदर भल्ला की भी नहीं सुनते, तो फिर इनकी सुन लीजिएगा जो इसके बाद आएंगी, लेकिन अभी जसविंदर भल्ला साहब की बात सुन ले। शिव खेड़ा जी की किताब आज मेरे हाथ लगी, जिसका नाम सी तुहाडी चित, उस किताब विच कहानी सी जो अज दे हालात बहुत ढुकमी है। एक पिंड विच अनाउंसमेंट हुंदी है कि इस पिंड विच हाड़ आने वाला, सारे नूं बेनती कीती जांदी है, हाड़ यानी सैलाब, कि उच्ची थां ते चले जाओ। पिंड विच एक बंदा सी जिहड़ा रब नूं बहुत मानदा सी, ओह नहीं गया, ओह कहिंदा मैनूं मेरे रब ते विश्वास है, मैं तां इत्थे रहूंगा, मैनूं रब आपे संकट दी घड़ी चों बाहर कढ लूगा। पिंड दे सरपंच ने, नंबड़दार ने, मैंबर पंचायत ने, होर किन्नियां ने चौकीदारां ने आके सुनेहे दित्ते, पर ओह ना मन्निया। अखीर नूं ओही होया, हाड़ आया, बंदा मर गया, मर के रब कोल गया ते रब कोल शिकायत कीती, रब्बा मैं तेरी इन्नी भगती कीती, इन्नी पाठ पूजा की, तू मैनूं बचाउण क्यों नहीं आया? रब दा उत्तर सी कि भरावा मैं तैनूं बचाउण लई आया सी, कदे सरपंच दे रूप च, कदे नंबरदार दे रूप च, कदे चौकीदार दे रूप च, पर जब तू आप ही ठाण बैठा सी, तेरी नीयत ही नहीं सी बचण दी, मैं की कर सकदा सी। सो भरावो, साडियां सरकारां प्रशासन ने अपनी ड्यूटी निभा दी है, सानू आगाह कर दिता, हुण डिपेंड करता साडी नीयत की कहती है। सो प्लीज़ घरे रहो, अपना ते अपने देश का बचा करो। थैंक यू वेरी मच। क्या देखिए, अच्छा क्योंकि कहानी है, लाजी बात है ये कहानी, लेकिन उसका जो विजडम है वो बड़ा कमाल। देखिए, बारी ताला ने इंसान को जो नेमतें हैं, जो हवास अता की हैं, आँख दी है देखने के लिए, होंठ दिए हैं, जुबान दी है गुफ्तगू के लिए, कान दिए हैं, जो उज्व दिया है उस उज्व का भरपूर इस्तेमाल जो है आपको वो करना चाहिए। अगेन फिर ये एक लंबी बात हो जाएगी कि उसमें आपके पास ज़िंदगी में हमेशा मौका होता है कि आप उसका इस्तेमाल नेगेटिव वे में करें या आप उसका पॉजिटिव वे में करें। इसी हाथ से आप इसको रिश्वत लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी हाथ को आप किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी से आप किसी का गला भी घोंट सकते हैं, खुरक भी सकते हो, खुद वो जो मेरा भी तो सकते हो। मुझे देखे जैसे याद है, आजकल मुंह नहीं लाना है, हाँ आजकल नहीं लगाना, जैसे मेरा शेर है कि वो ये खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी
तुम अपनी जुबान से देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। वाह वाह वाह। सो इसी जुबान से आप आग भी लगाते हैं, इसी से आप गलम गलोच भी करते हैं, इसी से आप तस्बीह भी करते हैं खालिक कायनात की, जो सारी कायनातों का मालिक है, जो हर्फ कुन से ये पूरा पूरी जिसने इतनी कायनात जो है वो तरतीब। हजरत अली करमुल्ला वजह एक कॉल याद आ रहा है, कमी पेशी दी, अल्लाह पाक माफी फरमाए, कि तुम्हारी जुबान जो है वो तुम्हारा ताला है, ताला खुलेगा तो पता लग जाएगा कि दुकान की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज़ का जरूर ख्याल किया करें कि मैं खैर इस पर फिर बात करूंगा कि ये जो सोशल मीडिया पे मुकद्दस हस्तियों के हवाले से चीज़ें आती हैं उसकी तस्दीक जरूर कर लिया करें, और बहुत सारी दुरुस्त होती हैं, बहुत सारी गलत होती हैं, तो हमें जब तक पूरी जिम्मेदारी, वैसे मैं सोशल मीडिया की किसी चीज़ में, आप ये नहीं कह रहा, ये यकीनन दुरुस्त होगी, मैंने वैसे ही एक बात जनरली चलते हुए कि सोशल मीडिया की किसी भी बात को वो ना जाना करें, खास तौर पे जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनके हवाले से जब तक आप उसकी तस्दीक ना कर लें, यानी कि जो मुस्तनद कुतुब हैं, तब तक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके ऊपर हम बीवी दी गल दी तस्दीक ओदी मां कोलों करनी चाहिए थी, ये तो सोशल मीडिया दी तस्दीक गवर्नमेंट को गवर्नमेंट करनी चाहिए। अच्छा एक और चीज भी है, आप उसे जनरल विजडम के तौर पर भी फिर बयान कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसका हमें हम सबको ही ख्याल रखना चाहिए। तो बात हो रही थी इसकी कि जो आपको उज्व दिया है उस पर उसका जिस तरीके से आप चाहें, ये क्या कह रहे हैं जसविंदर भल्ला साहब, क्या कह रहे हैं कि ये आपको ये जो दिया है ये क्या है, ये जो जो पाव भर का भेजा है, ये जो शऊर है, ये जो दिमाग है, ये किस लिए दिया है? आप हम इंसान किन किन चीज़ों से अफजल है या मुमताज़ है या जुदा है जानवरों से, यही यही चीज चंद चीज़ें हैं ना। वो बोल तो वो भी सकता है, लेकिन मतलब बैबे करता रहता है या कांका करता रहता है या टाई टाई करता रहता है, वो भी करते हैं। तो ये जो नुत्क, ये जो हर्फ नुत्क है, ये एक इजाफी एक जो उसको मुमताज़ करता है, और उसका शऊर, शऊर का जो लेवल जहन के जो इस्तेमाल इंसान कर पाता है या जहन का जो लेवल इंसान को दिया गया है वो जानवर को नहीं दिया गया, यही चीजें जो हैं वो उसको मुमताज करती हैं। एडा ज़हीन है, तीले ना लाइन करके गले जो पैसे काट लेंगे तो दूसरा किड्डा ज़हीन है फड़ के मारन दिया होगा उस तो बहुत ज़हीन है। तो अगर आप तो कहना मज़ार पाया बकाया काट रहे हैं जी हाँ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए अब ये जैसे अल्लाह ये इस वक्त अल्लाह ने शऊर दिया है कि तुम आग के पास जाओगे तो तुम जल जाओगे, तो अगर मैं आग के पास जाऊंगा और उसके बाद मैं कहूं कि भाई अल्लाह ताला तूने मुझे आग से बचाया क्यों नहीं, तूने तो वादा किया था, तो मेरे ख्याल में अल्लाह भी हमसे ये कहेगा कि यार तुम अहमकों वाली बातें क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें आग से बचने के लिए दो टांगें दी थी, तो जब तुमने देखा कि वहां आग लगी है तो तुमने उन दो टांगों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो सब तो पहले लत्त ही आगे जी देती हैं तो इससे तो सो बात ये इस बड़ी यार बड़ा वाज़ेह फलसफा है। मुझे तो हैरत होती है कि हम मुसलमान कैसे ऐसी बाज़ूकात अहमकों वाली बात कर सकते हैं। तवक्कल जो है वो हमने सारी ज़िंदगी ये सुना कि अल्लाह तवक्कल करो और उसके बाद सो जाओ, अल्लाह तवक्कल करो सो जाओ। जब पढ़ना शुरू किया तो हमें पता लगा कि पूरी जो फ़लसफ़ा है वो पूरा फ़लसफ़ा हमें पढ़ना चाहिए, वो ये है कि ऊँट का घुटना जो कि लंबी लता होती होती है तो ऊँट का घुटना कस के बांध देते थे, ऊँट का घुटना कस के बांधो उसके बाद ये दुआ करो कि भाई बारी ताला मैंने अपना जो मैं कर सकता था कर दिया, मैं रस्सी लेके आया, मैंने घुटना घुटना बांधा, मैं किले नल भी बांध देता, अब रात को तो इसकी हिफाजत करना कर। अब मैं सारी रात जाग तो नहीं सकता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मेरा ऊँट मुझे मिल जाए। ये है अल्लाह तवक्कल। तवक्कल की जो पूरी डेफिनेशन है वो ये है कि आदमी पूरे असबाब करे, असबाब के बाद जो फिर नतीजा है वो अल्लाह ताला पे। मुझे हमारे दोस्त अब्बास ताबिश साहब का एक शेर याद आ गया, क्या अच्छा शेर है, ऐ दोस्त दुआ और मुसाफत को बहम रख, मुसाफत यानी कि सफ़र करना जो है, दुआ और मुसाफत, ऐ दोस्त दुआ और मुसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है यहाँ पहला कदम रख। वो हथेली जो दुआ के लिए उठती है, मगर इस दुआ की हथेली पर जब आपको किसी का सहारा भी लेके या पैर रखकर जब तक आप सफ़र तय करने के लिए कदमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सो दुआ बहुत ज़रूरी है, सफ़र से पहले भी सफ़र के बाद भी, मगर सफ़र के बगैर कोई आपको अपने घर से उठा के अगर मैं अपने घर की मंजी पे पड़ा या दुआ करता रहूँ कि बारी ताला मैंने इस्लामाबाद पहुँचा दे, मैंने इस्लामाबाद पहुँचा दे, मैंने इस्लामाबाद पहुँचा दे, तो मेरे ख्याल में ये मैं कुफरान नेमत करूँगा और ये मैं तौहीन करूँगा उसकी उन नेमतों की जो उसने मुझे दी हुई है। सो जो लोग भी ये कहते हैं कि इसका एहतियात नहीं करते हैं गले लगाने के हवाले से, मिलने जुलने के हवाले से, मास्क के हवाले से, ये हमने पहना हुआ है, हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमने सैनिटाइज, सिर्फ इसलिए कि एक एक इमेज जाता है तो आपको ख्याल आता है कि भाई ये काम भी करना है। मास्क हमने इसलिए नहीं लगाया, हम वो भी कर लेते हैं इसलिए कि भाई लाजी बात है फिर तो गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, फिर पछाड़ना नहीं सी तुसी शाह जी ने कोई होर समझी जाना सी। यस मैंने लगना सी मैं कोई होर बैठा, ताहर तो वैसे पहले चोरा वर्गा लगता और तुसी समझने से वही बैठा है। तो गुजारिश ये है कि इसका ख्याल करें, जो जसविंदर भल्ला साहब ने बात की है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि साहिब है, समझ में आने वाली है कि अकल का इस्तेमाल करें,
ਵਰਨਾ ਇਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਪਸੇ ਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ ਭੱਲੇ ਦੀ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਸੀਨ ਦਿਸ ਐਟ ਹੋਮ Social distancing and staying at home are two critical steps to help stop the spread of the coronavirus. The next 10 to 15 days are extremely crucial. Please avoid all public places. Public transport like trains and buses. We all must do our bit to help fight in this crisis. And please follow the instructions issued by the state government. Stay home, stay safe. ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਘੁਆ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਪੇ ਤੋ ਭਾਈ ਉਸਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤੇ ਤੋ ਇਸਕੀ ਤੋ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਸਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ ਨਾ ਸੁਣ ਇਸਕੀ ਤੋ ਸੁਣ ਛੋਟੇ ਵਕਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں غیر سیاسی تھیٹر مجھے یہ بتائیے کہ یہ بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر میں بیگمات نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے بڑی جناب زندگی گلاں بنی ہیں شادی تنگ کیتا آپ کی کیا حالت ہے بہت اچھی حالت ہے صبح 9 بجے اٹھی دا شام 7 بجے تک کام کری دا سارا بیچاری نے کی تنگ کر لینا اتنے ٹائم جیسے ٹائم ہی نہیں دے 18 گھنٹے شیو نہیں کی کنے مصروف ہو یار شیو کرنا ضروری ہے کہ گھر دیاں دی خدمت کرنا ضروری تسی تے پتہ نہیں انہاں نوں بچیاں دی قدر نہیں ہے جی بیوی کی گل کٹھی کری دی ہوندی لوکی سنگ بچیاں دا سمجھن تے رولا اصل بیوی دا ہی ہوندا وچ سنیا ساری زندگی سارے سال جننے سال وی تہاڈے بیان کنے سال ہو گئے تیرے بیان میرے ہو گئے 13-14 سال ویکھ لو کل دیاں گلاں لگ گئی 13-14 سال ہو گئے نے 14 سال اگر بیگم نے تیری خدمت کیتی تے 14 دن تینو قدرت نے گھر بہن لئی دتے نے تے تو انہاں دی خدمت نہیں کر سکدا یار ساجی ویکھو نا بالکل ٹھیک انصاف دی گل کی ہو گیا صبح اٹھ کے تجھے بھانڈے دھوتے لیکن 14 دناں دے وچوں 14 سال والی خدمت کروانا چاہ رہی ہے سنیا دوبارہ تے پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے تو وہ شعر نہیں سنیا اک دن گزرے وانگو سال میرا اے او صاحب ویسے میں ویسے پرجائی ساڈی نوں نام دینا چاہیے جیڑی 14 سال کڈ گئی اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں میں ابھی آتا ہوں شبیر صاحب اس کی طرف لیکن ایک بات میں پہلے کر لوں جی کہ یہ جو بیویوں کی خدمت والی جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس کے بارے سے ایک بات یار میرے ذہن میں آئی تھی میں نے کرنی تھی اب پتہ نہیں میری کھوپڑی میں وہ ادھر ادھر نہیں میں سیریس بات کرنا چاہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا میرے کچھ جاننے والوں نے یہ کیا کہ اپنے ملازموں کو گھر بھیج دیا اور میرے خیال میں ایک دو ان میں سے صاحب ثروت تھے میں انہوں نے طبیعت صاف کی تھی ایک دو جو تھے وہ بےچارے وہ تب بھی میں نے ان سے کہا کہ خیال کرو ٹھیک ہے تم بھی مشکل میں ہو سبھی مشکل میں ہیں جو مل بانٹ کے جو ممکن ہے اگر آپ ملازم سے یہ کہتے ہیں کہ تم گھر چلے جاؤ ابھی ضرورت نہیں ہے تو کم از کم یہ نہ کریں کہ اس کو ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے تو آئیں گا تو پھر تینوں دوبارہ رکھ لیں گے چھوٹی چھوٹی حرکت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے مجھے کہہ لینے دیں کیا خبر کہ مہینے کے بعد آپ ہوئی نا اللہ کیا خبر کہ مہینے کے بعد آپ ہوئی نا تو وہ کہاں جائے گا اب یہ ایک افتاد آ گئی ہے تو اس افتاد کا آپ دیکھیں مرزا غالب نے جس زمانے میں مرزا کے وظیفے وغیرہ سب بند ہو گئے سب کچھ ہو گیا مرزا کوئی بالکل کھانے کو کچھ نہیں تھا گھر میں ایک ملازم کو مرزا غالب نے یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ مرزا صاحب تسی اکھ لا لو سی یار انہاں کہ مرزا صاحب تسی تے اپنی نہیں لے آ سکدے ہن اے شہر دا مرزا صاحب سانو دین دیو اجازت دیو اسی گھر جا کے لون مرزا دا انتظام کریے اے شہر لوگ بڑے سیانے ہوندے نے اے نہیں کہندے کسے نو جا نہیں یاد اپنے نکل نو میں مطلب یہ کہ میگنانیمیٹی شو کریں ظرف شو کریں وقار شو کریں یہ مصیبت آئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا خبر کہ اگر آپ اسے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے چل یار تم اپنے گھر چلے جاؤ پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہ بھیجیں کہ اگر نکل آئے تو بھیج دیں نکل آئے تو اس کو لوگوں کو اطلاع اپنا پولیس کو اطلاع کریں جو بھی ہاں پھر بنتا ہے اس کے اور اگر وہ صحت مند ہے اور اسے آپ گھر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو بھی تنخواہ ہے ایک مہینے دو مہینے جب تک وہ نہیں آتا کچھ اللہ کوئی آپ کے خزانے اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا آپ دو مہینے کی تین مہینے بھی اگر وہ نہیں آتا تو تین مہینے کی طرف وہ کہاں جائے گا بچارا اچانک اگر آپ کسی غریب کو کہہ دیں کہ میں صبح تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں تو وہ کہاں جائے گا تو پلیز یہ نہ کریں اور اگر آپ کی استطاعت کم ہے تو پہلے آپ کو ملازم رکھنا نہیں چاہیے تھا خود کرنا چاہیے تھا اور اگر استطاعت کم ہے آپ کی
तो भी जो आप कर सकते हैं वो करें। अगर आपकी भी इनकम कम हो गई है मतलब उसके साथ शेयर करें, चलें दुख, अगर आपके ऊपर आपकी 10 रुपये इनकम थी वो 5 रह गई है, आप उसे 2 रुपये देते तो 1 दे दें, मगर ये ना करें, वो किसके पास जाएगा? जे मुलाजम काम ते आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें दियो। जी जी बनता ही है कि नहीं भी आ रहा है तो काम करता है अपनी हिफाजत लिए भेज रहे हो। जी जी जो बनता दे के जी जी अपनी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसका जो बनता है वो दे के भेजें, और जब तक यानी कि ये मामला नहीं जाता उसकी मतलब उसको विदाउट पे जैसे लीव कहते हैं आप वो दें। हमारे यहाँ तो कानून उस तरह से नहीं है, वरना दुनिया में इसके कानून होते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि आप उसे खिलौते कल तो तू ना आई, ये पॉसिबल नहीं है। वो जाके रिपोर्ट करेगा, आप अंदर होंगे, आपका कारोबार भी बंद हो जाएगा। लाजम सरगोदे तो अभी तो सिर भी पाड़ देना मैं हां जी ओदे छड़वे के नुमा तेरी है जिद का खिलो जा तेरी तू कटदा पया मेनू तू मम लागन है जरा दफ्तर साहब बनाया इन्हें कोरोना आया ते मेरे अपने मन कटन लगा है पर मैं 2 करोड़ ने मोड़ा अपना किले ते बंधे ने। अच्छा देखिए नहीं, मयार जो है ना वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद दुनिया बदल गई, 20-25-30 साल की दुनिया डिफरेंट हो गई, लेकिन जो दुनिया का रहन सहन है, रहतल जो है वो पिछले 40-50 साल में टेक्नोलॉजी ने बदल दिया, यानी कि तस्वर भी नहीं, ये जो इतनी सूरत से जल्दी से फैला है इसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया शायद पहली मर्तबा किसी एक वक्त में किसी एक वबा का शिकार हुई है, ये इंसानी तारीख में पहली, अदरवाइज खित्ते होते थे, उसकी वजह है कि रास्ते जो सफर के वो थे वो मजदूर थे, मतलब आपको यहां से यार मुझे अभी याद है लाहौर तो सरगोधे का सफर जरा सी 8 घंटे का सी, बिल्कुल ये अभी कल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आई वाज इन मैट्रिक जी ऐसे जब मैं आया हूँ एक मरतबा वो एक अलग मसला, सिंगल रोड था 8 घंटे में, शायद 7.5-8 घंटे में लाहौर जी, मैंने भी याद आया फैसलाबाद तो लाहौर आंदे हैं, बड़ा मतलब सिंगल सड़क होंगी सी ते विच सुते हैं मेरी अख लागी न्यू खान बड़ी जी 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 वो चल रही है इंज करके गड्डी किसी पैली से इंज करके उतरी है ते ठा लगी ते सवारियां उठिया ड्राइवर नु खप पाती तू गड्डी इन्ना हो गए चलान दे तो उन्हें तरह गड्डी लंघन दी इन्नी देर चो ड्राइवर वाली साइड तो एक बंदा चढ़िया ड्राइवर नु कुटन लग पिया ठा 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 ओ मैं उन्हें मैं क्या मैं तू तो ठहर तेनू की होया कहना मैं जी उत्थे टूल बॉक्स ते सुता सी इन्ने कट मारी है मैं पैली च डिग पिया उत्तों डिगया मेरे सट लगी तो मैनू कुटा ना गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी ने बदल दी, अब चूंकि सफर इतनी तेजी से फैलता है, आदमी सुबह उसने किसी एक जगह से लिया, शाम को वो वायरस जो है वो अमेरिका में था, अगली सुबह वो फ्रांस में था, अगली सुबह वो अफ्रीका में था, अगली सुबह वो सऊदीया में था, सो 24 घंटे में ही पता नहीं कहां से कहां फिर गया, दुनिया बदल गई। फिर 9/11 के बाद दुनिया बदली, 9/11 से पहले मेरी तो खैर ट्रेवलिंग उस जमाने में नहीं थी, उसके बाद मेरी उससे पहले थी शायद, लेकिन मेरा मुझे अब इतना याद नहीं है, मगर जो आप यानी कि दरवाजे के जो जहाज का दरवाजा था वहां तक लोग छोड़ने जाते थे, लोग सीढ़ियां चढ़ रहे होते थे और प्यारे जो थे, हाँ प्यारे जो थे वो अब बाय बाय टाई टाई और टॉफी लीला ये रूटीन इस किस्म की वो इतनी आसान। 9/11 ने दुनिया को बदल दिया, अब दुनिया के रवैये और बदल जाएंगे, दुनिया ये नहीं रहेगी, दुनिया बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना में तकसीम हो जाएगी। तो मेल मिलाप और इश्क माशूकी के मामले में भी दुनिया बदल गई है, जरा देखिए कि ये भारत में क्या हुआ। ये देखिए भारत कोरोना के मरीज ने महबूबा के मुंह पर चीख मारकर बेवफाई का बदला ले लिया, उसकी महबूबा ने कहीं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका लगता लगता बेवफाई की तो वो आया और उसके मुंह पर चीख मार के और भाग गया, किसी जो कभी ना रहे और नहीं उन्हें पता लगा टेस्ट कराउंदा फिर के इन कोरोना कराउंदी फिरे लेकिन ये बहुत ही जोक्स अपार्ट ये बहुत ही नीच और घटिया हरकत है और हम ये दुआ करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं इज्जत घटिया नहीं यार ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी को इसनी मूजी मर्ज में मुबतला कर दें। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह रखे उसे कौन चखे एन मुमकिन चूंकि आपको पता है कि ये भी मुमकिन है कि आप छींक भी लें तब भी अगले को ना हो मतलब ये भी मालिक के निजाम है कोई और हो सकता है कि उसको हो तो उसको असर ही ना हो जैसे अलम माशाल्लाह हमारे ताहिर साहब वर्गा जरीला वो तो अपने लो मशहूर थे तजाब सूट गया ना। हाँ नहीं तजाब की तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए जितना इसको डिस्करेज करना चाहिए और ये भी जो हरकत है किसी बीमारी में मुबतला कर देना किसी भी तकलीफ में मुबतला कर देना ऐसे दिला दे सौदे ने क्या गाना था यार वो हमारा भारत ने कॉपी भी किया था वो मेरा हो ना सका तो मैं बुरा क्यों मानूं उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे यार याद है चांद उसको भी हक है वो जिसे चाहे उस पे नहीं मारे नहीं नहीं आपको किसी पे छींक मारने का बीमारी में मुबतला होने का हक नहीं है लेकिन ये हक किसी के पास है कि वो आपका हो या आपका ना हो मेरा हो ना सका तो मैं बुरा क्यों मानूं वाह उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे
वो मेरा वो ना सका तो मैं बुरा क्यों मानूं। क्या कहने। अच्छा अब ये बताइए कि आपने इतने दिनों से आप घर का काम कर रहे हैं, क्या महसूस हुआ? हम जो काम करते हैं बाहर आकर, ये आसान है या वो काम आसान है? सखावत ने भाभी को तनखा भी मांग ली है। तो भाभी वाले देख के भी कर रहे, वो मेरा हो रब जानदा शाह जी, वो घर दे काम बहुत औखे ने। औखे ने, औखे ने शाह जी। शायद अभी किए नहीं कभी आपने, इसलिए कभी भी नहीं किए। हो सकता है आदत पड़ जाए आपको कुछ अरसे, हो सकता है कोरोना के बाद आपको बहुत आसान लगने लगे। चेंज हो जाएगी, मैं काम छोड़ के करा। बंदा नवा नवा एक्सरसाइज शुरू करता है, खलियां पैंदी हैं, फिर यूज टू हो जाता है, आदी हो जाता है। मैं भी लगता मेरे भी खलियां पक्की हो गई। जिन्ना नीवा घर है ना, दुआ करन बारिश ना हो, नहीं तो डब्बे नाल पानी कढ़ना। नहीं तुहाडा घर ते माशाल्लाह तीन तीन पैलियां च है ना, इतना छोटा शाह जी घर है ना, तां लोकी लोकी अपने घर ठोकण दी वखी जवाज नहीं। ओ की लदी फसी के नहीं, तुहाडा घर ते बहुत उच्चा हैगा, पर कोई नहीं, बम वगे ते कुछ नहीं। ओ शाह जी किसी ने बड़ा मजबूत घर बनाया ना यार, ये सुना दो, हो सकता है लोगों ने जोक ना सुना। बहुत मजबूत घर किसी ने बनाया, संगे मरमर नहीं, किसी ने नहीं बनाया, मतलब ढाड़ी ने बनाया। गाना चल गया, एक दा ना चलिया। खान साहब दा शरीका बहुत भैड़ा, उन्हें शाह जी घर बनाया, तो हुण जिहदे नाल लगदी फबदी जिहड़ा नाल टुर रिहा सी बेचारा पिछे रह गया, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੈਸਾ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਵਾਈ ਵੱਡੀ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਪਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਬ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਝੋਪੜੀ ਕੇ ਪੀਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਰੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਫਰੰਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। इजाजत दीजिए, ये था आज का शो, और खुश रहिए, डिप्रेशन में मत जाइए, परेशान मत होइए, फिक्रमंद होना, एहतियात करना, मोहतात होना और परेशान होना और फिर परेशानी को सवार करना, ये अलग चीज़ें हैं। इसी नीयत से हम ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और बहुत ये जो रूटीन में रमज़ान में हम ख्याल करते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा अहम वक्त है अपने प्यारों लोगों का ख्याल करने का। सो अपने जो जिसके पास जो है उसके ख़जानों का मुंह खोल दीजिए, और सही मानों में वो मुसलमान बन जाइए, वो इंसान बन जाइए जिसकी गली में जिसका पड़ोसी जो है उसकी उसको खबर हो, और कोई उस गली में जिस गली में आप रहते हो शख्स जो है वो भूखा ना सोए, उसको आकर आपके दरवाजे पर दस्ते सवाल दराज ना करना पड़े। आप खुद आपको पता होना चाहिए कि किसके घर में राशन है, किसके घर में राशन नहीं है, कौन नीडी है, कौन नीडी नहीं है। और मेरा तो ये ईमान है कि एहतियात और अमल के साथ, मैनेजमेंट के साथ, मेडिकल की तमाम तर फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो चीज़ हमें बचाएगी वो हमारा ये मुसावात का रवैया, हमारा सलूक हमारी मुमलिकत को, हमारी कौम को बचाएगा। क्यों सर? अल्लाह सबको तौफीक दे और हमारी तनख्वाहें भी आ जाए, ये भी शाह जी दुआएं फरमाए। हमारे सारे साथी प्राप्त जी इंशाल्लाह मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं सबके लिए, तो अल्लाह कबूल फरमाए। इजाजत दीजिए नाज़रीन-ए-गिरामी, अल्लाह हाफिज़।